नमस्कार, मैं हूं रोहित बैरागी। आप देख रहे हैं लाखों दर्शकों की पसंद MP7 न्यूज़ वेब एंड यूट्यूब न्यूज़ चैनल। देखिए आज की विशेष खबर। इंदौर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों को मेडिकल ऑफिसर के रूप में 750 से ज़्यादा डॉक्टर जल्द मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए इंटरव्यू आयोजित करने की घोषणा कर दी है। PSC ने 1 जून से इंटरव्यू शुरू करने का ऐलान किया है। इंटरव्यू में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए कोरोना नेगेटिव का प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। इसी के साथ यह भी तय हो गया है कि जिन्हें इंटरव्यू में मौका मिलेगा उसमें से ज़्यादातर का चयन भी तय है। PSC ने फरवरी में 727 मेडिकल ऑफिसर की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। MBBS की डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अप्रैल में ही आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। आवेदन के बाद सिर्फ इंटरव्यू का एकमात्र दौर होना था और अंतिम चयन सूची जारी होती। इस बीच बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी। नतीजा हुआ PSC ने अन्य सभी परीक्षाओं और रिजल्ट के साथ चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया भी स्थगित कर दी। इस बीच मांग उठने लगी कि जब प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है और शासन अस्पताल से ज़्यादा संसाधन सुविधाओं को जुटाने में लगा है, ऐसे में चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती भी तुरंत की जाना चाहिए। इससे नए डॉक्टर मिलेंगे तो प्रदेश का स्वास्थ्य ढांचा बेहतर हो जाएगा। पहले PSC ने होटल से लेकर आवागमन जैसी सुविधाओं के बंद होने का हवाला दिया था। हालांकि अब PSC की ओर से इंटरव्यू का ऐलान कर दिया गया है। आयोग ने घोषणा की है कि 1 जून से इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट साथ लाना होगा। जो रिपोर्ट में कोरोना नेगेटिव होगा उन्हीं को इंटरव्यू में शामिल की अनुमति दी जाएगी। RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट इंटरव्यू तारीख से अधिकतम 3 दिन पुरानी हो सकती है। साथ ही पानी की बॉटल लेकर सैनिटाइजर तक की व्यवस्था खुद उम्मीदवारों को ही करना होगी। PSC ने इंटरव्यू में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को कोरोना गाइडलाइन का और शारीरिक दूरी के अनिवार्य पालन करने का नियम भी लागू किया गया है। पद के लिए PSC ने कुल 1000 से ज़्यादा आवेदन हुए थे। एक दिन पहले ही PSC ने आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से 175 उम्मीदवारों के दस्तावेज निरस्त करने की सूचना भी जारी कर दी है। जिन उम्मीदवारों के आवेदन निरस्त किए गए हैं उन्होंने निर्धारित तिथि के बाद अपने आवेदन PSC में जमा किए थे या फिर वे योग्यता पूरी नहीं कर रहे थे। MBBS न्यूनतम व अनिवार्य योग्यता मांगी गई थी। BDS और BHMS डिग्रीधारियों ने भी आवेदन किए थे। इंटरव्यू की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अब सिर्फ 821 उम्मीदवार मैदान में हैं। कोरोना की दूसरी लहर में इनमें भी कई कोविड पॉजिटिव हो या नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर पेशेवर डॉक्टर है जो फील्ड में सक्रिय है। इसके अलावा कुछ अनुपस्थित रहेंगे। इस तरह अनुमान लगाया जा रहा है कि जितने उम्मीदवार इंटरव्यू में शामिल होंगे उनमें से ज़्यादातर को नौकरी मिलने तय है। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें वो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। प्रज्ञा ब्यूटी पार्लर एंड जनरल स्टोर। हमारी सेवाएं जनरल आइटम ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग व मसाज कार्य व दुल्हन ज्वेलरी किराए से उपलब्ध है। एक बार आपके अपने संस्थान पर अवश्य पधारें। हमारे संपर्क नंबर 9131549575 9713183473। आत्री माता, तहसील मनासा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश। प्रज्ञा ब्यूटी पार्लर एंड जनरल स्टोर।